वेलकम टू सीए गुरुजी चैनल। मैं हूँ पूजा और आज आपके साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ। जीएसटीआर 3B एंड जीएसटीआर 1 में बड़ा चेंज है। अगर आप अप्रैल की रिटर्न अभी फाइल करना चाहते हैं तो आपको कुछ नए नियमों का ध्यान रखना है। एक्सपोर्टर्स जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 में गलती कर रहे थे जिसकी वजह से उनके रिफंड अटक रहे थे। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं जुड़े रहेगा इस वीडियो के साथ, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे 5000 लाइक्स तक जरूर पहुंचाइएगा, और अगर इम्पोर्टेंट लग रही है तो और भी लोगों के साथ शेयर करिए, खास तौर से एक्सपोर्टर्स के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। पहले बात करेंगे जीएसटीआर 3B की, अब आपको जीएसटीआर 3B में एक्सपोर्ट की डिटेल्स कैसे एंटर करनी है। जैसे आप अपना जीएसटी अकाउंट लॉगिन कर लेंगे और रिटर्न डैशबोर्ड पे आप आएंगे तो आपको पहले तो पीरियड चूज करना है। अप्रैल की अभी बात कर रहे हैं तो अप्रैल चूज कर लेते हैं और क्लिक कर लेते हैं सर्च पे। सर्च पे क्लिक करते ही नीचे आपको दिखाई देंगी आपकी रिटर्न्स। आपको क्लिक करना है जीएसटीआर 3B पे। यहाँ मैंने जीएसटीआर 3B ओपन कर ली है। सभी क्वेश्चंस के आंसर देने के बाद जो रिलेवेंट टेबल्स थी मैंने वो चूज कर ली है, वो सभी आपको आता ही होगा। अब हम बात कर रहे हैं टेबल नंबर 1.1 जो है टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाईज। आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं देखिए आपके सामने स्क्रीन पे यही मैसेज अपीयर होगा जो आपको इस वक्त दिखाई दे रहा है। दिस इज बेसिकली फॉर द गाइडलाइंस फॉर रिफंड ऑफ IGST पेड ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। तो आपके लिए बड़े रिलीवेंट है। अगर आप इस तरह से अपनी डिटेल्स एंटर नहीं करेंगे तो आपको IGST का रिफंड नहीं मिलेगा। सबसे पहली लाइन में इन्होंने IGST कैसे शो करना है 3B में वो बताया है। लोग क्या कर रहे थे, IGST अमाउंट जो पे होना है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स या सर्विसेज आउटसाइड इंडिया पे या फिर SCZ के लिए, उसे फिल कर रहे थे टेबल नंबर 3.1 ने और 3.1C में, जबकि उसे फिल करना है टेबल नंबर 3.1B में। जी हाँ, कुछ लोग गलत कर रहे थे, टेबल नंबर 3.1 ने और सी में डेटा एंटर कर रहे थे जबकि उन्हें IGST जो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का है उसे 3.1B में एंटर करना है। स्पेसिफिकली यहाँ पे लिख दिया है, मैं अभी आपको दिखाऊंगी कौन सी टेबल है 3.1B। नेक्स्ट पॉइंट नंबर बी में लिखा है कि जो IGST अमाउंट आप फिल करेंगे जीएसटीआर 3B में टेबल नंबर 3.1B में, उसके इक्वल या उससे ज्यादा का IGST शो होना चाहिए। कहाँ पे? GSTR 1 की टेबल 6A जो है एक्सपोर्टर्स के लिए और टेबल 6B जो है SCZ के लिए। अभी मैं आपको GSTR 1 में भी दिखाऊंगी, उसमें भी बहुत सारी उन्होंने कंडीशंस डाल दी हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो यहाँ पे लिखा भी है नन ऑफ द एक्सपोर्ट इनवॉइसिस शैल बी प्रोसेस्ड फॉर ट्रांसमिशन टू ISGATE इफ करेक्ट IGST अमाउंट इज नॉट मैंशनड एंड पेड थ्रू टेबल 3.1B ऑफ GSTR 3B। तो अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो ISGATE में ट्रांसमिट ही नहीं होगा और इसकी वजह से आपका रिफंड नहीं आएगा। अब आपको दिखाती हूँ कहाँ पे आपको ये IGST जो एक्सपोर्ट का है वो एंटर करना है। ओके कर लेते हैं। तो ये 3B में जो 3.1 की डिटेल है, टेबल नंबर 3.1 की डिटेल है, इसका 3.1A होता है आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाइज अदर देन जीरो रेटेड नील रेटेड एग्जम्प्टेड। लोग गलती कर रहे थे, कुछ लोग इसी में डाल रहे थे उसको एक्सपोर्ट वाले IGST को, कुछ लोग सी में डाल रहे थे अदर आउटवर्ड सप्लाई नील रेटेड एग्जम्प्टेड। जी नहीं, आपको डालना है टेबल नंबर 3.1 के बी पार्ट में आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज जीरो रेटेड। यहां पे डिटेल डालनी है जो रहेगी टोटल टैक्सेबल वैल्यू और इंटीग्रेटेड टैक्स। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप यहाँ पे क्लियर हैं। अब गलती मत करिएगा, 3B में एक्सपोर्ट के लिए आपको डिटेल 3.1B में डालनी है। अब बात करते हैं GSTR 1 की। चलिए चलते हैं, आपको लेके चलती हूँ GSTR 1 पे। मैंने GSTR 1 ओपन कर ली है। इसकी आपको टेबल नंबर 6A देखनी है एक्सपोर्ट इनवॉइसेस के लिए और SCZ के लिए रहेगी 6B। तो 6A को एक बार ओपन कर लेते हैं। जैसे ही हम टेबल नंबर 6A ओपन करते हैं ये देखिए आपके पास एक स्क्रीन आई है जिसमें आपके लिए मैसेज है। इन्हीं गाइडलाइंस को आपको फॉलो करना है अपना रिफंड लेने के लिए जो आपने IGST पे किया एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पे। पहला पॉइंट है कि आपको इनवॉइस का डेटा फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स प्रोवाइड करना है GSTR 1 की टेबल 6A में फॉर द रिलेवेंट टैक्स पीरियड। दूसरी बात है कि इनवॉइस नंबर जो प्रोवाइड करने हैं आपने टेबल 6A में GSTR 1 के,
वो सेम होने चाहिए जो होगा इनवॉइस डिटेल गिवन इन शिपिंग बिल। तो इनवॉइस नंबर का खास ध्यान रखने के लिए यहाँ पे बोला है, तो आपके शिपिंग बिल में जो इनवॉइस डिटेल है उसी के हिसाब से इनवॉइस नंबर एंटर करना है। यहाँ पे स्पेसिफिकली इन्होंने लिखा है कि अगर इनवॉइस डिफरेंट हुआ, यानी कि इनवॉइस नंबर और डेट डिफरेंट हुई जो शिपिंग बिल में है, देन दैट विल बी रिजेक्टेड बाय द आइस गेट। मेक श्योर बिल नंबर और डेट में गलती नहीं करनी है। जब आप इनवॉइस की डिटेल एंटर कर रहे होंगे तो आपके पास दो ऑप्शंस आएंगी, विद पेमेंट ऑफ टैक्स या विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। आपको चूज करना है विद पेमेंट ऑफ टैक्स, जो ड्रॉप डाउन मेन्यू होगा उसमें से विद पेमेंट ऑफ टैक्स आपको चूज करना है। अगर आप विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स चूज करेंगे तो आप रिफंड के लिए एलिजिबल ही नहीं होंगे। बहुत सारे लोग ये गलतियां कर रहे थे, इसीलिए इन्होंने यहाँ पे पर्टिकुलरली क्लैरिफाई किया है। उसके बाद इनवॉइस की डिटेल आपने डालनी है, इसी के साथ शिपिंग बिल नंबर और शिपिंग बिल की डेट एंड पोर्ट कोड भी मैंडेटरली डालना है और करेक्टली डालना है। किस केस में? इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। तो गुड्स के एक्सपोर्ट के केस में आप ये शिपिंग बिल नंबर, शिपिंग बिल डेट और पोर्ट कोड भी एंटर करेंगे। अगर आप ये डिटेल्स नहीं देंगे तो डेटा आइस गेट पे प्रोसीडिंग के लिए या प्रोसेसिंग के लिए भेजा ही नहीं जाएगा। फिर पोर्ट कोड में भी आपको ध्यान रखना है। अब पोर्ट कोड अगर आप लोगों को नहीं पता तो वो होता है अल्फा न्यूमेरिक 6 करेक्टर कोड, जो प्रेस्क्राइब किया गया है आइस गेट पे। अगर आपको उसकी लिस्ट चाहिए तो यहाँ पे आपके लिए लिंक दे दिया गया है, आप इस पे लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको सभी पोर्ट कोड्स मिल जाएंगे। यहाँ पे लिखा है कि अगर आप इनकरेक्ट पोर्ट कोड एंटर करेंगे तो हो सकता है कि आइस गेट रिजेक्ट कर दे आपके इनवॉइस को और आपका रिफंड ना आए। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग क्लियर हैं। जैसे अपने एक्सपोर्ट डिटेल्स को फिल करते हैं, फिल करिए, बट कुछ चीजों का ध्यान रखते हुए मेजर जो रहेगा इनवॉइस नंबर और इनवॉइस की डेट जो शिपिंग बिल पे दिया है वही एंटर करना है। शिपिंग बिल, शिपिंग डेट और पोर्ट कोड जरूर एंटर करना है। और साथ ही आपको चूज करना है ऑप्शन विद पेमेंट ऑफ टैक्स, विदाउट वाला चूज मत करेगा वरना रिफंड नहीं आएगा। इन चीजों का खास ध्यान रखना है जीएसटीआर 1 में। इसी तरह से टेबल नंबर 6B रहेगी जो होती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए। तो एक्सपोर्टर्स के लिए बड़ी रिलेवेंट वीडियो है। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब उनको ये क्लैरिफिकेशन हो गया है कि कैसे एक्सपोर्ट की डिटेल्स एंटर करनी है। यही रीजंस है, इन्हीं गलतियों की वजह से आपका रिफंड नहीं आ रहा था अगर आप एक्सपोर्टर हैं। बहुत लोग परेशान रहते हैं रिफंड के लिए, रिफंड मिलना डिपार्टमेंट से ईजी नहीं होता, और अगर आप पहले ही गलती कर देंगे तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो मेक श्योर ऐसी गलतियां ना करें। अगर ये वीडियो इंपॉर्टेंट लग रही है तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लाइक के बटन पर जरूर हिट करिएगा, और अगर ये रिलेवेंट है और के लिए तो उनके साथ शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, बाय बाय। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें सीए गुरुजी चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करें सभी नोटिफिकेशंस के लिए, और ये करना बिल्कुल फ्री है।